हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सियल लाइन। सपोज दिस इज ए बार मैग्नेट हैविंग साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, देन एक्सियल लाइन इज दिस लाइन विच ज्वाइंस दीज टू पोल एंड एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड। वो लाइन जो इन दोनों पोल्स को ज्वाइन करती है, यदि इसको हम दोनों तरफ बढ़ा देंगे तो उसको क्या कहते हैं, एक्सियल लाइन कहते हैं। अब हमारा कंसेप्ट क्या है कि इस एक्सियल लाइन पे हमें किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को निकालना है। तो हम मान लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस मैग्नेटिक डाइपोल, राइट। एंड इसकी जो लेंथ है, लेट 2L इज लेंथ ऑफ दिस मैग्नेटिक डाइपोल, दैट इज सेपरेशन बिटवीन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। हमने क्या मान लिया, 2L। और इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से कितना मान लेते हैं, D। अब हमें इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने से पहले हम थोड़ा सा इसके बेसिक्स बातें को समझते हैं। वी नो दैट, देखो हमने एक वीडियो किया था पहले कूलम्ब्स लाइन मैग्नेटिज्म, याद करो हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था कि इफ़ वी हैव टू पोल्स। देखो डेरिवेशन से पहले हम समझेंगे इसको कि हम कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सपोज वी हैव टू पोल्स, यदि हमारे पास में कोई दो पोल हो, ये एक पोल, इसकी पोल स्ट्रेंथ मान लेता हूँ M1, दिस इज अनदर पोल हैविंग पोल स्ट्रेंथ M2, और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो यदि मैं R मान लेता हूँ, देन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू पोल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π M1 M2 अपॉन R square। दिस इज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू पोल। यदि हमारे पास में दो पोल हों, एक की पोल स्ट्रेंथ M1, एक की पोल स्ट्रेंथ M2। अब यदि हम ये कर दें कि ये जो पोल जिसकी पोल स्ट्रेंथ M2 है, यदि यहाँ पर हम कोई यूनिट नॉर्थ पोल पुट कर दें, इफ़ यू पुट ए यूनिट नॉर्थ पोल एट दिस पॉइंट, अगर हम यहाँ पर कोई यूनिट नॉर्थ पोल पुट कर देते हैं, देखो इफ़ यू पुट ए यूनिट नॉर्थ पोल, वी नो दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। सो इफ़ यू अज्यूम, अगर हम मान लेते हैं या सपोज दिस इज ए हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल, देन फोर्स ऑन दिस यूनिट नॉर्थ पोल वुड बी क्या आता फोर्स यहाँ पर, म्यू नॉट अपॉन 4π, और इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, M1, और इसकी पोल स्ट्रेंथ हमने यूनिट मान लिया मीन्स 1 अपॉन में सेम डिस्टेंस R स्क्वेयर, देन दिस फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ पोल इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो देखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए जो एक्सप्रेशन होती है वो क्या आ गई, म्यू नॉट अपॉन में 4π M अपॉन R स्क्वेयर, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की एक डेफिनेशन क्या आ जाएगी, व्हाट इज मीन्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मीन्स फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल। अब हमने ये कंसेप्ट हाइपोथेटिकल किस लिए यूज किया है, बिकॉज वी नो दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द पोल्स। तो हमने पोल्स को सेपरेट करना तो पॉसिबल है ही नहीं, तो हम क्या मान लेते हैं कि किसी यूनिट नॉर्थ पोल पे किसी गिवन मैग्नेट के कारण से जो फोर्स लगेगा उसी का नाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये जो पोल है, इस पोल की पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर इस डिस्टेंस आर पे कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4π एम अपॉन आर स्क्वेयर, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज ए वैक्टर क्वान्टिटी। यदि ये वैक्टर क्वान्टिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। सो अब ये किस डायरेक्शन में आएगा, तो आपको ये याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में ये नॉर्थ पोल मूव करेगा, द डायरेक्शन अलोंग विच दिस नॉर्थ पोल विल मूव इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो हमारे पास में कंसेप्ट जो हमें समझना था, ये वाली बात समझनी थी कि हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए एक्सप्रेशन क्या होती है। यदि हम ये समझ जाते हैं देन इट विल बी वेरी ईजी फॉर अस टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू दिस बार मैग्नेट। सो कीपिंग इन माइंड दिस फॉर्मूला वी विल ड्राइव द एक्सप्रेशन। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। हमने ये क्या मान लिया, कोई मैग्नेटिक डाइपोल, इसकी लेंथ कितनी मान ली, 2L।
राइट. लेट अस कंसीडर ए मैग्नेटिक डायपोल हैविंग लेंथ 2L. नाउ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वी नो दैट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन बिटवीन द पोल्स. सो दिस इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. एम क्या है? पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल. ये जो हमारे पास में पोल है, प्रत्येक पोल की पोल स्ट्रेंथ हमने क्या मान लिया, स्मॉल एम इज पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल. और कैपिटल एम क्या था? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. अब हम देखो क्या करते हैं, ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के कारण से हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को निकाल लेते हैं. एंड देन वी विल फाइंड द वेक्टर सम ऑफ दीज टू मैग्नेटिक फील्ड्स, दैट विल बी द टोटल मैग्नेटिक फील्ड. सो लेट हम मान लेते हैं कि लेट बी वन इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू नॉर्थ पोल. ये जो हमारे पास में जो गिवन बार मैग्नेट था, इसके नॉर्थ पोल के कारण से पॉइंट पी पे हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या मान लिया, बी वन. देन एक्सप्रेशन फॉर बी वन इज इक्वल टू, सेम फार्मूला हम यूज करेंगे जो मैंने आपको शुरू में बताया था. देखो इस नॉर्थ पोल से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस, यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, डी. दिस डिस्टेंस इज एल. तो ये जो डिस्टेंस बच गया, दिस इज इक्वल टू डी माइनस एल. सो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डी माइनस एल का स्क्वायर. अब यदि हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जिस डायरेक्शन में यूनिट नॉर्थ पोल मूव करेगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. सो यहाँ पर यदि हम बी की डायरेक्शन निकाल लें, तो देखो हमें दिमाग में क्या रखना है कि यहाँ पर कोई यूनिट नॉर्थ पोल है, देन दिस नॉर्थ पोल विल रिपेल ईच दिस यूनिट नॉर्थ पोल. वी नो दैट लाइक पोल ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर. सो बी वन की जो डायरेक्शन आ जाएगी, बी वन विल बी इन दिस डायरेक्शन. और ये कहते हैं कि अलोंग एन पी, अलोंग एन पी. सिमिलरली हम क्या मान लेते हैं, बी टू. लेट बी टू इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू साउथ पोल. ये जो साउथ पोल है, इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या नाम दे दिया, बी टू. देन बी टू विल बी, देखो अब बी टू की हम बात करते हैं. सो वैल्यू ऑफ बी टू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड एम, प्रत्येक पोल की पोल स्ट्रेंथ एम ले रखी है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. साउथ पोल से इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस होगा, देखो इसको हम समझ सकते हैं, इतना डी है, ये एल बच गया, तो ये टोटल कितना होगा, डी प्लस एल का स्क्वायर. दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यदि हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, देन इट इज क्लियर दैट दिस साउथ पोल विल रिपेल दिस यूनिट नॉर्थ पोल. तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी टू. सो वी कैन से दैट इट इज अलोंग पी एस, ये इधर आएगा. अब इफ वी कंपेयर बी वन एंड बी टू, वी सी दैट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बी वन इस डायरेक्शन में, बी टू इस डायरेक्शन में. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी डिफरेंस ऑफ दिस टू, बी वन और बी टू का डिफरेंस आएगा. अब हम ये देखना है कि बी वन और बी टू में बड़ा कौन सा है नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए. सो देखते हैं हम, देखो यहाँ से कि ये हमारे पास में बी वन है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डी माइनस एल, और यहाँ पर क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डी प्लस एल. सो इट इज क्लियर दैट बी वन इज ग्रेटर देन बी टू. सो नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू बी वन माइनस बी टू. और ये कह दें कि बी इज इक्वल टू, बी वन में से बी टू माइनस करेंगे, देखो दोनों में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम दोनों में कॉमन है. लेट अस टेक कॉमन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम को कॉमन ले लेते हैं. यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास में, 1 अपॉन डी माइनस एल स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन डी प्लस एल होल स्क्वेयर. राइट, लेट अस सॉल्व दिस. जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में जो एक्सप्रेशन आ जाएगी,
वो क्या होगी, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम, और ये आ जाएगा देखो यहाँ से LCM आएगा D माइनस L होल स्क्वेयर इंटू D प्लस L होल स्क्वेयर, और फर्स्ट टर्म आ जाएगी D प्लस L होल स्क्वेयर माइनस D माइनस L होल स्क्वेयर, राइट। इसको यदि हम सोल्व करते हैं देन देखो यहाँ से डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर प्लस टू डी एल माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर माइनस टू डी एल, तो डी स्क्वेयर और एल स्क्वेयर तो कैंसिल हो जाएंगे, टू डी एल यहाँ से बचेगा और माइनस माइनस का टू डी एल यहाँ से बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो टोटल जो आ जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई एम, यहाँ से हमारे पास में ऊपर से क्या आएगा 4DL अपॉन D स्क्वेयर माइनस L स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, D माइनस L इंटू D प्लस L, कौन सा फार्मूला लग जाएगा A माइनस B इंटू A प्लस B, तो A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर और सारे का क्या था होल स्क्वेयर। अब यदि इसको हम इस फॉर्म में ले आएं B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई एम, और ये जो हमारे पास में 4DL है इसको हम यूँ तोड़ लेते हैं 2L इंटू 2D अपॉन D स्क्वेयर माइनस L स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, सो इट इज़ क्लियर दैट दिस M इंटू 2L दिस इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, हमने वेरी इनिशियली किया था ये, सो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास में म्यू नोट अपॉन 4 पाई एम इंटू 2L इज कैपिटल M, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंटू 2D अपॉन डी स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, राइट। अब हमारे पास में यदि हम इसके स्पेशल केस लेके चलते हैं, इफ वी अज्यूम दैट दिस लेंथ इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डी, अगर हम ये मान लेते हैं डाइपोल हमारे पास में कैसा है, आइडियल डाइपोल है, इसकी लेंथ जो है इस डी की तुलना में काफ़ी छोटी है, देन इफ यू अज्यूम इफ एल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डी, तो हम इस फॉर्मूले में ये एल को नेग्लेक्ट कर दें, देन वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई एम 2D एज इट इज अपॉन डी स्क्वेयर माइनस एल को नेग्लेक्ट कर रहे हैं सारे का होल स्क्वेयर, सो बी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में म्यू नोट अपॉन 4 पाई, देखो डी स्क्वेयर का स्क्वेयर डी की पावर 4 और एक डी ऊपर है तो टोटल क्या बच जाएगा हमारे पास में 2m अपॉन डी क्यूब, दिस विल बी द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पी पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये हमने ड्राइव कर दिया B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन डी क्यूब। नाउ वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड B इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अब यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है देन इट विल हैव डायरेक्शन आल्सो, सो हमने ये कहा था शुरू में कि B1 और B2 का जो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हुआ B1 माइनस B2, सो इन दोनों में बड़ा कौन सा है B1, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ B1 दैट इज अलोंग NP, एंड वी नो दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, सो यहाँ पर देखो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ की तरफ, और इसी डायरेक्शन में क्या है नेट मैग्नेटिक फील्ड, सो इस रिजल्ट को हम यदि वेक्टर फॉर्म में पुट कर दें देन वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल बी दिस, ये था हमारे पास में कंसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन एक्सेल लाइनों पे बार मैग्नेट, सो ये था हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सेल लाइनों पे बार मैग्नेट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्विटोरियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट।
थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।